आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी भारत आज तक समृद्ध क्यों नहीं बना? सरकारें आती हैं, सत्ताएं बदलती हैं, लेकिन भारत की हालत आज भी वैसा के वैसा क्यों है? और ऐसा नहीं है कि ये भारत की कंगाली ये 70 सालों में हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत पहले कभी समृद्ध नहीं था। आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध रहा है। आज अगर भारत कंगाल है तो इसमें किसी एक का दोष नहीं है। ये सत्ताएं ऐसी रही है जो सदैव अपना स्वार्थ देखती रही है, अपनी कुर्सी देखती रही है। बहुत ऐसे कम राजा हुए जिन्होंने मानवता के बारे में सोचा, भारत के बारे में सोचा, भारत के उत्थान के बारे में सोचा। अधिकांश राजा स्वार्थ और लोलुपता से भरे थे, विलासिता का जीवन था, जिस नाते भारत बर्बाद होता गया। और इसी में ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे जिन्हें अपनी सीमाओं की सुरक्षा से भी मतलब नहीं था, अपनी अय्याशी से ही मतलब था। और ऐसे लोगों के वजह से यहाँ समय समय पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होता रहा। कभी ऐसा भी समय रहा जब भारत इतना सशक्त हो गया था, इतना समृद्ध हो गया था कि कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बदलती गई। पुनः ऐसा मालूम पड़ा जैसे लोग स्वार्थपरता में इतने गिर गए हैं कि उसे अपनी सीमा, अपना राष्ट्र का ख्याल ही दिल से निकल गया, मस्तिष्क से निकल गया। जिन उद्देश्यों को लेकर के कुर्सी पर बैठते थे, जिन उद्देश्यों को लेकर के गद्दी पर बैठते थे, वो उद्देश्य भूल गए, बस सोने चांदी खजाने के पीछे जीवन लगता चला गया। इसके वजह से कभी मुग़ल आकर के भारत को लूटा, बर्बाद किया और 800 सालों तक लूटा। और लोग आज बोलते हैं अकबर महान था तो टीपू सुल्तान महान था, और ना जाने कितने कितने मुस्लिम आक्रांताओं को महानता की संज्ञा दे देते हैं, और आज उनके जगह जगह स्मारक स्थल बने हैं, उसके मजार बने हैं, उसके नाम पर संग्रहालय बने हैं, उसके नाम पर हाउस बने हैं, सड़कें बने हैं। गजब का देश है भारत। जिन लोगों ने हमें लूटा, जिन लोगों ने हमें बर्बाद किया, उनके नाम पर दुनिया भर की चीज़ें हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला, ख़त्म करने वाला, ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी, आज भी उसके नाम पर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है। लेकिन किसी के मन मस्तिष्क में ये भाव नहीं जागृत होता, किसी के दिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि हम उस विदेशी आक्रांता के चिन्ह आज तक क्यों रखे हैं। जहाँ जहाँ विदेशी आक्रांता आए, मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाए, नाम बदले, अपना नाम रखे, मुस्लिम भाइयों को खुद चाहिए, निवेदन कर देना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं, भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है, उन विदेशी आक्रांताओं से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आज कन्वर्टेड होकर के मुस्लिम बन गए, लेकिन यह आह्वान करना चाहिए था खुद कि नहीं, जो जो उन लोगों ने किया उससे हमारा वास्ता नहीं, इसलिए हम खुद आगे बढ़कर निवेदन करते हैं कि वो सारे नाम बदल दिए जाएं जो विदेशी आक्रांताओं ने रखे, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं के वे चिन्ह, वे नाम स्वतंत्र भारत में, अपनी संस्कृति में रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो उन लोगों ने लूटा, उन लोगों ने बर्बाद किया, और इसमें सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जो जो लोग जितना बर्बादी मचाए, जितना अत्याचार मचाया, उतनी ही उसके नाम पर मस्जिदें बनी। और आज कुछ मूढ़ हिंदू भी जाकर के वहाँ चादरें चढ़ा कर आते हैं। तो इस तरह की समस्याएं मुसलमान आक्रांताओं ने भारत में पैदा किया, और उसका दोष हम उन लोगों से ज़्यादा यहाँ के उन लोगों को देंगे जिन लोगों ने जातिवाद करके, छुआछूत करके, आपस में ही भेद विभेद पैदा किए। अगर हम एक शुद्ध भारतीय बनकर, एक शुद्ध सनातनी बनकर के होते तो किसी की मजाल नहीं कि आप भारत की तरफ आंख उठा कर देखें। लेकिन भारत के लोग जातिवाद के जंजीरों में इस कदर बंधे कि ब्राह्मण वर्ग एक तरह से अपने को ब्रह्मा का पुत्र मान करके, विराट भगवान का सबसे बड़ा पुत्र मान करके, उनकी उत्पत्ति मान करके, दूसरों से नफरत और घृणा करके, दूसरों को रास्ते में चलने लायक भी नहीं छोड़ा। छुआछूत की ऐसा विष घोला, ऐसा जहर घोला कि जो अछूत कहे जाने वाले लोग, जो शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र
के मुख्य धारा से दूर कहीं जाकर पड़ गए, तो ये सारे दोष भी हुए। पर सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया गजनी से आकर के, एक रास्ता था खैबर दर्रा पार किया और आया। कुछ राजाओं ने कहा, निवेदन किया वहाँ के पंडितों से पुरोहितों से कि आप हटें, मंदिर खाली करें, हम रक्षा करेंगे। उन पंडितों ने कहा कि तुम भगवान शिव की रक्षा करोगे, तुम भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, उनका तीसरा नेत्र खुलेगा, सारे लुटेरे सारे लोग जल के भस्म हो जाएंगे। वे नादान थे शायद कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, इस भ्रम में रह गए। वो ये नहीं समझ पाए कि जो राजा रक्षा के लिए तैयार हैं उसमें भी वही शिव तत्व है। वो खुद समझो शिव ने ही कह रहा है, शिव ही कह रहे हैं कि हम रक्षा करेंगे, तुम हट जाओ। लेकिन वो इतने अंधविश्वासी हो गए, उन्हें लगा कुछ नहीं होगा, और मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, भर भर के धन ले गया। और इतना धन था वहाँ, माना जाता है कि पूरी पृथ्वी को 6 फीट ऊँची दीवार से घेरी जा सकती थी, इतना धन था। और वो ले गया उस अष्ट धातु के शिवलिंग को भी ले गया, और जहाँ बैठता था वहाँ नीचे पावदान पर रखा। तो ये सारी समस्याएं हमारे देश में हुई, और हम सक्षम होते हुए उसे रोकने में नाकाम रहे, और इस तरह थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारे देश का बिगड़ता गया, टूटता गया, और जहाँ जहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती गई वो हिस्सा अलग होता गया। आज इसका दोष सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर है जो कहते हैं हम सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू हैं, लेकिन हम अपने ही देश में छुआछूत फैला करके, अपने ही देश में भ्रम अंधविश्वास फैला करके, चमत्कार फैला करके, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, शिक्षा शिक्षा के नाम पर हमने इतने पागलपन किए कि हमारा देश आपस में इतना बंट गया कि इसका लाभ दूसरों ने लिया, और इसका परिणाम ये है कि जो ईरान से बर्मा तक फैला था आज वो सिकुड़ गया है। और कहीं भी भारत आज इस पोजीशन में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि वो सशक्त शांत समृद्ध कहलाए। कहीं अशिक्षा है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं धर्म के नाम पर झगड़े हैं, कहीं जाति के नाम पर झगड़े हैं, कहीं संप्रदाय के नाम पर झगड़े हैं, और कहीं उफरा तफरी है, विकास के नाम पर कुछ नहीं। इतना कठिन दौर से भारत गुजरा, और जब अंग्रेज आए तो कहना है क्या, उन लोगों ने रही सही बची खुची सारी चीज़ें भी लूट ली, और भारत को कंगाल बना करके, आपस में लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके चले गए। ये इन स्थितियों से ये भारत गुजरता आया, और शुरू में जब भारत आज़ाद हुए बहुत सी समस्या का समाधान हो सकता था। कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकता था, राम मंदिर की समस्या का समाधान हो सकता था, कृष्ण मंदिर का समाधान हो सकता था, काशी का समाधान हो सकता था, बहुत से नियम कानून बदले जा सकते थे, बने जा सकते थे, शुद्ध सात्विक संविधान बनाया जा सकता था। लेकिन उस समय की सरकारों ने भी अपनी कुर्सी के चक्कर में, स्वार्थपरता राजनीति के चक्कर में सारी समस्याएँ ज्यों की त्यों रखी और नई नई समस्याएँ पैदा कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत आज भी उन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ है। और जो भारत अब तक विकसित हो सकता था, जो भारत अब तक समृद्ध हो सकता था, पुनः विकास की ऊंचाइयों को छू सकता था, आज भी उन्हीं मुद्दों पर अटका हुआ है जिन मुद्दों को उस समय के तत्कालीन सरकारों ने इसे जन्म दे दिया। तो इस तरह से भारत, और कुछ वैसे लोग, चाटुकार लोग उस समय आए जो इतिहास भी ऐसा लिखा, ये कुछ वामपंथी लोग तथाकथित जिन्हें भारत और भारत की संस्कृति से तो कोई मतलब है नहीं, वो दिन रात पानी पी पी करके भारतीय सभ्यता संस्कृति को गाली देते हैं, भारत के महापुरुषों को गाली देते हैं, वो तो और कबीर साहब को भी नहीं छोड़ते, ऐसे अंधे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में शिक्षा का विभाग चला गया, ऐसे ही लोग के हाथ में बहुत सारे अधिकार चले गए, और उन लोगों ने ऐसे ही इतिहास लिख दिए जिसमें भारत की तमाम संस्कृति को गाली दिया गया, भारत की शिक्षा को दबाया गया, जो मूल शिक्षा थी जिसमें खगोल भूगोल विज्ञान योग आयुर्वेद ध्यान धर्म सबकी शिक्षा थी, शस्त्र शास्त्र सबकी शिक्षा थी, उसको बदल करके ऐसी शिक्षा आज बच्चों के मन पर डाल दिया गया, ऐसी शिक्षा प्रणाली भर दी गई जिसमें अपनी भाषा अपनी संस्कृति के अलावा सब कुछ था, जिसको पढ़ करके बच्चे पढ़ते ही सपना देखने लगते थे कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग जाए, कनाडा में लग जाए, अमेरिका में लग जाए, यूरोप में लग जाए, और वो बच्चे भारत की सभ्यता संस्कृति से दूर होता चला गया, उसके हृदय में भारत के लिए नफरत पैदा होते चला गया। तो ये दुर्गति करने वाले ये तथाकथित कुर्सी लोलुप लोग रहे हैं, सत्ता लोलुप लोग रहे हैं, और वो आज भी मौजूद हैं।
तो इस तरह से भारत का पतन में बहुत से लोगों का की हिस्सेदारी है, बहुत से लोग इसमें जिम्मेदार हैं, कोई एक नहीं। और आज भी ये स्थिति सुधरी नहीं है। आप एक एक विभाग में देखें, एक एक जगह में देखें कि कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ समस्या नहीं है। एक किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, कोई सरकार आज भी जो सरकार है ये भी अगर कहे कि हाँ मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, वो ठीक नहीं हुआ है। महंगाई छोड़ दीजिए, बेरोजगारी छोड़ दीजिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार है अगर सिर्फ हम उस पर बात करें तो उसमें भी ये देश अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। सुधार के मामले में भ्रष्टाचार तो भरा पड़ा है, सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है। एक छोटा सा कागज़ बनाने जाइए, आपको इतनी सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच लेंगे कि हम काहे के लिए काम शुरू किए। बिना घूस दिए कोई काम नहीं होगा, चाहे प्रशासन विभाग में हो, चाहे किसी भी विभाग में आप चले जाएं। एक छोटे छोटे कामों के लिए भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, लोभ में आकर के, लालच में आकर के लोग पाप किए चले जा रहे हैं। किसी को ये भय ही नहीं होता कि इतने पाप कमा कर हम जाएंगे कहाँ, अपने बच्चों को हम क्या मुँह दिखाएंगे। लेकिन आज जब तक ऊपरी कमाई ना हो अधिकारियों को, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। ईमानदारी तो जैसे कि सिर्फ किताबों की बात हो गई। हम महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं, संत साहित्य को पढ़ते हैं, लेकिन उनके दर्शन, उनके ज्ञान हमारे जीवन में कहीं दूर दूर तक नहीं होता। इस तरह से आज भी जगह जगह कुर्सी में बैठे लोग, चपरासी से लेकर बड़े बड़े आईएएस आईपीएस नेता, अभिनेता, धर्म नेता, भारत को बर्बाद करने में लगे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, भारत अशिक्षा का शिकार न रहे, भारत बेरोजगारी का शिकार न रहे, भारत पुनः समृद्धि को प्राप्त करे। लेकिन अधिकांश लोग उस घुन की तरह लग गए हैं भारत को, जो निरंतर इसको खोखला बनाते चले जा रहे हैं। अगर आप सब चाहते हैं कि इससे मुक्त हो, तो सबसे पहली बात तो एक संकल्प लीजिए कि अपने क्षेत्र से जब भी वोट आप देने जाएं, एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को वोट दीजिए जो इस कम से कम देश नहीं तो आपके पंचायत, आपका वार्ड, आपके गांव को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके, ईमानदारी से काम कर सके। आप कहीं भी कुछ करें, इतनी तटस्थता से करें, इतनी एकरूपता से करें कि संकल्प ले लीजिए कि भारत पुनः धर्म प्रधान देश बनेगा। धर्म प्रधान से मतलब ये नहीं कि सिर्फ लाल पीले नीले कपड़े वाले हो जाएं। धर्म प्रधान देश का मतलब है कहीं बेईमानी ना रहे, कहीं शैतानी ना रहे, कहीं नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ना रहे, पूरा प्रेममय जीवन हो, जहाँ जाए व्यक्ति दो मिनट में काम हो जाए, कोई गरीब है उसको सहयोग करने वाले मिल जाएँ। यहाँ तो सहयोग करना तो दूर, आज तो भिखारियों के कटोरे से लोग धन चुरा लेते हैं। आज भारत इतना पतित हुआ है। एक समय ऐसा था जब कोई द्वार पर आता था तो लोग अपना धन लुटा देते थे। एक समय ऐसा था जब पन्ना धाय अपने बच्चे की बलि तक दे देती थी राजा के बच्चे को बचाने के लिए। राजा से भी अपने शरीर का मांस दान कर देते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज दान तो नहीं करेंगे, जब कहीं कोई मौका मिल जाए तो लूट लेंगे, अपने भाई को लूट लेंगे, अपने माता पिता को लूट लेंगे, दूसरे को क्या देते हैं, भगवान को देखा इंसान को क्या छोड़ेंगे, अब तो भगवान को भी धोखा देते हैं, तो इंसान की क्या बात है। तो ऐसी स्थिति से आज यह देश गुजर रहा है। लेकिन यह धर्म उस चिंगारी के समान है, यह ज्ञान उस ज्योति के समान है जो लाखों करोड़ों वर्ष के गुफा के अंधकार को भी क्षण भर में नष्ट कर सकता है। तो अगर हम सब मिलकर संकल्प लें, ठान लें, तो जीवन से सबसे पहले अपने जीवन से इन समस्याओं को हम मिटा करके समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, इस राष्ट्र के गौरव के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि भारत जिन समस्याओं से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं। अगर हम कोशिश करें, एक एक व्यक्ति हम ठान लें कि हम इस समस्या से कैसे मुक्ति पाएं, तो अगर एक एक व्यक्ति प्रयास करेगा तो जैसे कोई अकेला एक नेतृत्व के लिए निकलता है, लाखों का कारवां बन जाता है। इस तरह से अगर हम निस्वार्थ भाव से शुरुआत करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आज हम आप सबसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह विचार पसंद आएगा। अगर आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं, माता पिता गुरु से प्रेम करते हैं, तो यही संकल्प आप जीवन में धारण करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका कोई विचार हो, मंतव्य हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और
पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक इसे पहुंचाइए। हम पुनः एक नए विषय पर आपसे बात करेंगे और हम अगला जो हमारा विषय होगा कि भारत में जैसे जो रेलवे सेवा है इस पर हम कुछ टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोगों की शिकायतें हैं रेलवे विभाग से, इसमें क्या समस्याएं आ गई है और क्या सुधार किया जा सकता है, किस तरह से लोग इस रेलवे के लापरवाही जैसे रवैया के चलते कितने कष्ट भुगत रहे हैं, इस संबंध में हमारा अगला वीडियो होगा। आप ज़रूर उस पर उसके लिए प्रतीक्षा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।